बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश कुमार आपके साथ बुंदेलखंड के उभरते हुए कलाकार हरिंद्र राहुल से आज एक मुलाकात करवाते हैं। इनकी पिक्चरों के बारे में जानते हैं, इनके जीवन के बहुत से पहलुओं के बारे में पनल से जानते हैं और इनकी पिक्चरों की अदाओं के बारे में जानते हैं। बुंदेलखंड में छोटी सी उम्र में इन्होंने काफी सारी पिक्चर दी है, चलेंगे पास चलते हैं और इनकी पिक्चरों के बारे में जानते हैं, इनके रोचक तथ्यों के बारे में समझते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, चलिए इनके पास चलते हैं। हमारी तरफ से राम राम, और बहुत खुशी की बात है कि बुंदेलखंड की धरती पे पैदा हुए और बुंदेलखंड जैसी गौरवशाली भूमि जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई पैदा भाई, आला उदल की धरती, अपने ओरछा धाम जैसी धरती पे हम पैदा भाई, बात को फख्र है और गर्व है। और सब जनन से बातें क्या वो है कि अपनी बोली खा अपन का बढ़ावा देने कैसे बहुत जगह पे जो देख देख के लाने मिलत के आदमी ने कही बात पे बहुत बेइज्जती और हीन फील करा था, महसूस करा था कि बुंदेलखंडी बतकाव नहीं कर रहे। सो बतकाव तो अपना बुंदेलखंडी में भी करने कहा, जहाँ पे जैसे जाओ, अगर छतरपुर या बुंदेलखंड से बाहर जा रहे हो तो हिंदी में बात करो, कोनो बुराई नहीं है, इंग्लिश में भी बात करो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी जो भाषा है इसका भी अपन का बढ़ावा देने, अपने लोकगीत भाई और अपनी क्षेत्रीय भाषा में जितने भी कछु भी अपने कार्यक्रम होते, कछु भी अपन बनाते हैं, वे अपन का अपनी भाषाएं बना के अपन इन्हें बढ़ावा भी देना है, प्रोत्साहित भी करना है, प्रोत्साहन देने और ई कार्य ई पहल खाएंगे बड़ा दो अपने। अगर आप और अनखा भी पता हो, छतरपुर में बसारी गांव में एक बुंदेली उत्सव भी हो, जो मुन्ना राजा के जरिए कराओ जात जी में हमारे हरिया भैया को विशेष रूप से भारी योगदान रात, वे भी में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और कई सारी जो वे विधाएं हैं अपने बुंदेलखंडी की उनका बढ़ावा दो जात, उनके होते रोज रात के कार्यक्रम हो, 7-8 दिन चलत बुंदेली उत्सव भी। सो जो बहुत अच्छी बात है, और हम अपने बारे में क्या बताएं, हम तो छोटे मोटे मामूली से कलाकार हैं, हरेंद्र राहुल नाम हमारा, छोटो मोटो शौक हतो तो विलन गिरी बनवे को, विलन गिरी करवे को, गद्दार के रोल करवे को, सो भाई करत रात, बाकी अपना फिटनेस पे ज्यादा फोकस रात, बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज ये सब हमारा शौक है, फिल्में बनाबो भी जो पहले शौक हतो तो धीरे धीरे अब जो प्रोफेशन हो जा रहा हो, प्रोफेशन से तो बहुत प्रोफेशन करे पहले, कई बिजनेस कई जॉब करे, एंड में बाकी जो ही समझ में आओगे जो ही हमारे लाने पर्याप्त हो, जो उपयुक्त है जो ही हमारे लाने ठीक है, सब ई फील्ड में आगे बढ़ गए के लाने चल रही तैयारी। एक दो अपन ने बुंदेलखंडी 3-4 फिल्में तय बनाई हैं, जैसे कर्जे का चक्र भी, ई के अलावा अपन ने शादीशुदा प्यार के 4 पार्ट डाल दे, बैलेंस लव के भी अपन ने 3 पार्ट बना डाले, और इनके अलावा अपन ने कई इतने पे कवर सॉन्ग भी बनाए और भी फिल्में करी, इनके अलावा भोजपुरी फिल्में भी करी अपन ने, 3 भैया सन भोजपुरिया, डेस्पेरेडो और ये कहे लिट्टी चोखा भी केसारी भैया के संग करे आए। सो जो सब चलत रात, अब और भविष्य की योजनाएं हैं धीरे धीरे आगे बढ़वे की, कि सबसे पहले एक प्रोफाइल अच्छी सी तैयार कर लीजिए, फिर बाहर ने करिए, लेकिन अपनी जन्मभूमि और अपनी जन्म भाषा ना भूल भी, इतने तो आगे फिल्में बनानी बनाने कहा बुंदेलखंडी में। इनके अलावा कोशिश यही है कि क्षेत्र में आगे कछु करो जाए, कैसे बुंदेलखंड में या कहूँ भी हो सब हीरो बनवो चाहत, विलेन और गद्दार बनवो को नहीं चाहत, तो हम तो जो ही सोचा कि हमें तो विलेन बनने का हो, अब चाहे बुंदेलखंड में बने, चाहे बॉलीवुड में बने, चाहे साउथ में बने, चाहे भोजपुरी में बने, करने जो ये चाहे आज हुए तो ठीक है, नहीं तो बुढ़ापे तक तो करके रह भी रहे भी, 4 साल हो गए फिटनेस में काम करत करत, टारगेट है 55 साल की उम्र तक तो अपने करने करने के हिलाई एक्सरसाइज और वर्कआउट, ताकि यह फिटनेस मेंटेन बनी रहे, अगर आज भी अगर ना ठीक से हो पे काम तो 55 साल की उम्र तक इस क्षेत्र में ठीक ठाक आगे बढ़ाई जी बढ़ी जी हैं। बस जो हिसाब है लगे रहो, टारगेट कोनो भी हो सब बिलो धैर्य रखे रहो, धैर्य के संग अगर काम करते रहो तो आगे बढ़ी बढ़ो, सफलता मिले ही मिले, और कहा बाकी आप उन्हें समझदार हो लगे रहो देखत रहो फिल्म में भाई जा रहा ये बात कि हम अपनी इस बात के संगे अपनी बात खत्म करवो चाहत, फिर से भज्जा हमारी तरफ से राम राम।